चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। मोमो, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है कि बंदा सामने वाले से पूछ ही ले? क्या पूछूं? यही कि वो खाएगा या नहीं। लेकिन सामने वाले के घर में तो ताला पड़ा है। अरे यार, ये तो मलेशिया से जवेद साहब की कॉल आ रही है। हाँ तो उठाएं, हमने 6 महीने का किराया दिया है एडवांस में। अच्छा? हाँ जी। हेलो, कैसे हैं जवेद साहब? भाई मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग सुनाएं। क्या सुनाएं जवेद साहब, बस गुजारा कर रहे हैं आपके घर में। अच्छा। आ जवेद साहब, अच्छा यार वो रमजान आ रहा है, कोई पेंट वेंट तो करवाएं घर में। अरे पेंट तो होना ही है महमूद साहब, शिफ्टिंग के साथ ही हो जाएगा। शिफ्टिंग के साथ? मतलब? अरे मैंने आपको यही बताने के लिए तो फोन किया है कि ये घर बेच रहा हूँ मैं। क्या? हाँ, अपने एक अजीज दोस्त को। जवेद साहब, हमने 6 महीने का एडवांस किराया दिया हुआ है आपको यार। अरे तो मेरा दोस्त आएगा ना, घर की हालत देखेगा, आप लोगों ने जो भी नुकसान किया है वो पैसे काट कर बाकी पैसे दे दूंगा। भाई महमूद साहब, आप लोग घर खाली करने की तैयारी करें और सामान पैक करें, उसने इसी महीने के आखिर में शिफ्ट होना है। जवेद साहब, हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ जवेद साहब को? मोमो, जवेद साहब घर खाली करने को कह रहे हैं। कह रहे हैं जल्दी से सामान पैक कर लो। हुशे नबील, नबील नबील नबील, क्या हो गया महमूद साहब? अरे जवेद साहब का फोन आया था। ओ यार क्या हो गया, उनका क्यों फोन आ गया? किराया दे दिया एडवांस में हमने। अरे वो ये घर खाली करने को बोल रहे हैं। ओ यार पेंट कराना होगा। अरे नहीं, उन्होंने ये घर अपने किसी दोस्त को बेच दिया है। क्या, हमसे पूछे बगैर? नबील शायद तुम भूल रहे हो, ये घर जवेद साहब का है। चलें जी, मैंने अपना सामान बांध दिया हुआ है। ओ माँ जी, कहीं नहीं चलना यार, सामान वापस रखें। नबील, ओ महमूद साहब क्या हो गया यार, हम किराएदार हैं यार, और इस मुल्क में किराएदार के पौधे फूक हैं, किसी में हिम्मत नहीं है हम इस घर से निकाले। शाबाश मेरे चीते, शाबाश, देखा इसे कहते हैं वो, आपकी तरह ये वो नहीं है। यार नबील, हम जबरदस्ती यहाँ कैसे रह सकते हैं? अरे रहेंगे महमूद साहब, जावेद साहब ने जो करना है कर ले, क्या करेंगे, केस ही करेंगे ना, नो प्रॉब्लम। आप लोगों की मेरी बात कान खोल के सुन लो, आप लोगों ने जावेद साहब का फोन नहीं उठाना। हेलो, मैं जावेद बोल रहा हूँ, फोन कट गया था। महमूद कहाँ है? महमूद साहब तो यहाँ नहीं है। जावेद साहब आप बोले? भाई मैंने उसे सब बता दिया। क्या बता दिया? यही कि मैं घर बेच रहा हूँ। मलेशिया वाला? नहीं भाई, बुलबुले वाला। क्या? हाँ हाँ, मेरा दोस्त घर खरीद रहे, वो वहाँ आएगा, आप लोग अच्छे तरीके से उसे घर दिखा दें, वो फौरन यहाँ शिफ्ट होगा। जावेद साहब कुछ तो टाइम दें हमें, हमने अपने लिए दूसरा घर भी देखना होगा। भाई मेरा दोस्त जब आएगा तो आप लोग खुद उससे बात कर लीजिएगा, और अगर वो ना माना तो आप लोगों को घर खाली करना पड़ेगा, मगर फिक्र ना करें, मुझे आप लोगों का ख्याल है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दूंगा, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। जी थैंक यू। चलें ठीक है फिर, खुदा हाफिज। नबील, अरे अकेले अकेले सोच रही हो, हमें भी तो कुछ बताओ। नबील, नबील क्या हुआ जानू? नबील जावेद साहब का फोन आया था। क्या? अरे तूने उनका फोन उठाया क्यों है? अरे फोन बज रहा था इसीलिए उठा लिया। दफा हो। अरे यार खूबसूरत, हमने तय किया था कि जावेद साहब का फोन कोई नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि हम ये घर खाली नहीं करेंगे। अरे कैसे नहीं खाली करेंगे महमूद साहब, ये घर हमारा नहीं है, हमें खाली करना पड़ेगा। अरे किसी के बाप में दम है तो हमसे खाली करा के दिखाए क्यों महमूद साहब? यार नहीं तो क्या, हमने इस घर में 225 एपिसोड पूरे किए हैं, हमारे बच्चे इस घर में पैदा हुए हैं, ये घर हमें अपनी जान से ज्यादा प्यारा है। जावेद साहब ने ये भी कहा है कि अगर हम जल्दी ये घर खाली कर देंगे तो हमें 5 लाख एक्स्ट्रा मिलेंगे। महमूद साहब स्टेट एजेंट को फोन करें यार, मैं लानत भेजता हूँ इस घर पे। अरे हाँ हाँ, ये कोई घर है, कोई सहूलत ही नहीं है यार। हाँ जी, और रात को इधर मोटे मोटे ना कुत्ते ऐसे काटते हैं। माँ जी मच्छर। हाँ वही वही। हाँ यार मेरा तो दम घुटता है यहाँ पर, इतने छोटे छोटे से बेडरूम, बेडरूम में से निकलो तो वही लाउंज, और लाउंज से बाहर निकलो तो वही घिसा पिटा लॉन। अरे यार कुछ तो चेंज होना चाहिए ना। भाई महमूद साहब, हम स्टेट एजेंट को फोन करते हैं और नया घर ढूंढते हैं यार। शाबाश। अरे आओ फिर।
बे हट बे यहाँ से। चल बे। जुबेद साहब के घर का छोटा सा कुशन। नबील एजेंट को बोलो कि इस घर से बड़ा घर देखे हमारे लिए। हाँ महमूद साहब, इतने एपिसोड्स के बाद तो बड़ा घर बनता है यार। हाँ भाई आजम जानी, जानी नबील बात कर रहा हूँ बुलबुले वाला। यार हमें को नया घर चाहिए। और नहीं मैं नहीं, अली इमरान के लिए नहीं, अपने लिए। खरीदने के लिए? और हम तुझे खरीदने वाले लगते हैं। किराए पे चाहिए, किराए पे। महमूद साहब कितना बड़ा? 1000 गज का यार सिर्फ, और क्या। ओ इससे डबल करें यार। देख दोस्त 2000 गज का चाहिए, 2000 गज का। एक लॉन और एक स्विमिंग पूल भी। भाई लॉन और स्विमिंग पूल एक साथ कैसे हो सकते हैं? ओ यार लॉन और स्विमिंग पूल अलग अलग करके दे दो यार। बेशक स्विमिंग पूल जो है वो छत पे हो। और उसे कहो कि स्विमिंग पूल में ना रंग बिरंगी मछलियाँ भी होनी चाहिए। हाँ, आप उतरे एक मगरमच्छ भी। ओ माँ जी, खुदा का वास्ता अपना खाने का मेन्यू बाद में बताइएगा यार। भाई घर तो ऐसा मिल जाएगा, लेकिन आप लोगों की रेंज क्या है? ओ भाई तू हमारी रेंज ना पूछ, तू बस बता कितने पड़ेगा, कितने में पड़ेगा। भाई ऐसे घर का एडवांस कोई 30 तक होगा और किराया कोई 4.5। मैं मुझ सब 30,000 एडवांस बोल रहा है और 4,500 किराया बोल रहा है। पुत्र फिर तो 5 लाख में से ना हमारे पास बड़े पैसे बन जाएंगे। ये चीज मेरे अजीज। हाँ आजम जानी डन कर। एडवांस और किराया मिलाकर 30-35,000 बन रहा है ना, 513 हो गया कमीशन। अब खुश है ना? अरे भाई दिमाग खराब है क्या? 30,000 नहीं 30 लाख एडवांस और 4.5 लाख रुपए किराया। अरे क्या हुआ नबील? मैं उसे वो कह रहा 30 लाख एडवांस और 4.5 लाख रुपए किराया। वैसे नबील मैं काफी देर से तुमसे ये बात कहना चाह रहा था कि ये घर इतना बुरा नहीं है। मुझे तो यहाँ के अलावा कहीं और नींद भी नहीं आनी। देखिए मेरी इस घर से ना बहुत सारी यादें वाबस्ता है। इस घर से अच्छा पूरी दुनिया में कोई घर नहीं है। तो फिर अब क्या करें नबील? नबील तुम्हें किस इडियट ने कहा था कि 3-4 हजार के किराए में 2000 गज का घर मिल जाएगा? ओ जानू मैं तो तुम्हारे पापा की सेविंग करा रहा था यार। ये तो जावेद साहब अच्छे आदमी है कि इतने कम पैसों में हमें घर दे दिया, वो भी बुलबुले की वजह से। हाँ तो फिर हम दूसरे घर में भी बुलबुले शूट कर लेते हैं, क्यों पुत्र? नहीं नहीं माँ जी, ये घर अब हाथ से नहीं जाएगा। नबील अब कुछ नहीं हो सकता, जावेद साहब का वो दोस्त कभी भी आ सकता है। नबील हम जावेद साहब के दोस्त के सामने ना इस घर की इतनी बुराइयां करेंगे, इतनी बुराइयां करेंगे कि वो ये घर खरीदने का इरादा ही छोड़ देगा। मैं तो कहती हूँ पुत्र कार के दरवाजे की घंटी में करंट छोड़ दे, बाहर ही मर जाएगा। बहुत ही फजूल आइडिया है। तुम क्या सोच रहे हो नबील? जानू मैं ये सोच रहा हूँ कि उस आदमी को कटाना कैसे। ले फिर ताली मार पुत्र। यार महमूद साहब इस आदमी को दरवाजे से ही टरखा देंगे। अरे लेकिन हम उसे कहेंगे क्या? वही जो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है यार। ओके अरे अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यकीनन जावेद साहब के दोस्त हैं। जी जी मैं नबील हूँ और ये महमूद साहब है। अच्छा अच्छा जी मैं ये घर देखने आया। आए हम आपको घर दिखाते हैं। आप बाहर क्यों आ रहे हैं? अरे बाहर से ही दिखाएंगे ना। अरे नहीं मुझे घर अंदर से देखना है। अरे अंदर से घर देख के आप क्या करेंगे? भाई रहना घर के अंदर है तो अंदर से ही देखना है ना। अंदर तो हम 3 साल से नहीं रह रहे, हम बाहर दरख्तों पे सोते हैं। है? लेकिन क्यों? मैं मुझसे बताया ना यार। मैं वो अंदर ना मोटे मोटे चूहे रहते हैं। चूहे? हाँ बड़े मोटे मोटे चूहे आपकी तरह के। आप खुद ही सोचिए ना जी, अब चूहों के साथ कोई कैसे गुजारा कर सकता है? आप इस घर में चूहों के साथ रहेंगे क्या? भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास 4 बिल्लियां हैं। बिल्लियां? हाँ भाई बड़ी खतरनाक और जंगली बिल्लियां हैं, बड़े शौक से चूहे खाती। आ जाए अंदर। यार नबील ये फॉर्मूला तो फेल हो गया। कोई बात नहीं महमूद साहब, फॉर्मूला नंबर 2 काम करेगा। वो जो काम करेगा वो फॉर्मूला नंबर 2 होगा। हाँ जी। अच्छा घर मैंने देख लिया है, थोड़ा पेंट वेंट का काम कराना पड़ेगा। पेंट वेंट का तो आप सोचिएगा भी नहीं। क्यों? अरे ये दीवारें अब एक और पेंट का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे पहले हम चूना लगा के सुराख बंद कर रहे हैं। सुराख? हाँ इन दीवारों में हर जगह सुराख ही सुराख हैं। दीवारों में सुराख कैसे हो गए? बताओ नबील। मैं? अब आपसे क्या छुपाना, बराबर में ना एक सियासी जमात का दफ्तर है, हर हफ्ते मुख्तलिफ पार्टियों के लोग आते हैं हमारे घर पे, डुस 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 फायरिंग करके निकल जाते हैं। आपके घर पे क्यों? उन्हें डराने के लिए। कई बार तो गोलियां जो है ना महमूद साहब के कानों के इतने करीब से गुजरी है, चेक करें कानों पर बारी नहीं है महमूद साहब के। कौन है?
बीर? जानू जावेद साहब के दोस्त आए हैं घर खरीदने। अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नबीर मैं जरा अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ कपड़े धोने। ओके जानू, ये मेरी बीवी है। आपकी बीवी घरों में कपड़े धोती? नहीं नहीं, हमारे कपड़े धोने के लिए दोस्त के घर जा रही है नॉर्थ नाजमाबाद। इतनी दूर क्यों? इस घर में हफ्तों पानी क्यों नहीं आता? क्या यहाँ पानी नहीं आता? अरे पानी तो बहुत आता है, इतना आता है कि घुटनों तक जमा हो जाता है। हैं? हाँ, एक दफा तो हमारे बच्चे पानी में डूब गए थे, फिर 3 दिन के बाद समंदर से मिले थे। क्या? हाँ जी, हमने तो घर के पीछे जो है ना कश्तियाँ बांधी हुई हैं। लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि इस घर में हफ्तों पानी नहीं आता। चले महमूद साहब, अब आप बताएं यार। अरे नलकों में नहीं आता पानी। हाँ वैसे बारिश का पानी तो आता है, छतें जो टपकती हैं। छतें टपकती हैं? लगता तो नहीं है। अरे लगेगा कैसे, ये चौथी छत है जो डलवाई है, पहली 3 जो थी वो टपक गई थी। अब आप ही बताइए, ऐसे घर में भला कौन रह सकता है? शुक्र है महमूद साहब, हमारे इस घर से जान चुकी। हाँ यार, अब जो भी लेगा खुद ही भुगतेगा, क्यों सर जी? वैसे ये कोई इतना बड़ा मसला है नहीं। शे भी नहीं है। हाँ मैं इंजीनियर हूँ ना, पूरा घर रेनोवेट करवा लूंगा, आप फिक्र ना करें। नबील बाहर आओ एक मिनट। यार नबील, ये भैंसा तो किसी चीज से घबरा ही नहीं रहा। महमूद साहब अजीब आदमी है यार, मसला कोई मसला ही नहीं है इसका यार। बहुत ही ढीठ आदमी है भाई। कोई बात नहीं महमूद साहब, फार्मूला नंबर 3 अप्लाई करना पड़ेगा। भाई इस घर में तो काफी काम कराना पड़ेगा। हाँ जी, 70-80 लाख रुपए का काम है, इससे बेहतर नहीं है कि आदमी एक नया घर ले ले? क्यों महमूद साहब? मैंने क्या बोलना है? ओ नहीं जी नहीं, ये घर मेरे दिल को भा गया है। काम वाम तो हर घर में होता है। आप लोग चाय वाय नहीं पिलाएंगे? चले बाहर ढाबे पे जाके पिलाते हैं आपको चाय। ढाबे पर क्यों? अरे भाई इस घर में गैस कहाँ आती है? गैस भी नहीं है। मुझे तो रहती है, लेकिन इस घर में रात 3 बजे से सुबह 7 बजे तक आती है। इसीलिए हम जो है वो लंच सुबह 4 बजे करके सो जाते हैं। एक काम करते हैं, आइए हम आपको बाहर लॉन में लेके चलते हैं, वहाँ बाहर से उबैद खान के होटल से चाय मंगवा के थैली में आपको पिलाते हैं। आइए 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 आइए। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। अरे आपने पाँव को नीचे रखे हो, ऊपर करें ऊपर करें। क्यों? बताए ना महमूद साहब। वो दरअसल यहाँ पे कभी कभी ना घास में सांप निकल आता है। सांप? अरे हमने 200 मुर्गियाँ रखी हुई थी, रोज अंडे देती थी, सालों में एक एक करके खा गए सांप। शक्ल देखे हुए अरसा हो गया अंडे की, अंडे ही नहीं खाए हमने इतने दिन से। सांपों के? नहीं जी मुर्गियों के। हमने तो सांपों के डर से अपने बच्चों को नाना के यहाँ भिजवा दिया लाहौर। आप भी अपने बच्चों को लॉन में ना खेलने दीजिएगा। मेरे तो बच्चे ही नहीं है। हैं? हाँ हाँ, आप फिक्र ना करें, मुझे सांप पकड़ने भी आते हैं। आपको सांपों से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है? अरे प्रॉब्लम कैसी, 10 साल जवानी में वाइल्ड लाइफ वालों के लिए काम किया है। नबील मेरा ख्याल है हम दूसरा घर ढूंढना शुरू कर देते हैं। नहीं महमूद साहब, अभी फार्मूला 4 नंबर रहता है। वो क्या? माँ जी। अच्छा जी। मैं रूबू नहीं बनूंगी। अरे मोमो थोड़ी देरी की तो बात है यार। और अगर फिर मैं जिंदा ना हुई तो? ओ माँ जी, हम कौन सा आपको मर के रू बनने को कह रहे हैं यार, उसे डराने भगाने के लिए कह रहे हैं। देखो मोमो, उस आदमी को डराना बहुत जरूरी है। हाँ तो आप अपना मुंह क्यों नहीं उसको दिखाते कि वो डरे? अरे उसका अपना मुंह मुझसे बड़ा है, वो मेरा मुंह देख के कैसे डरेगा? नबील अगर जावेद साहब का दोस्त माँ जी से भी ना डरा तो? तुम मेरी माँ को हल्का ले रही हो खूबसूरत, मेरी माँ जैसी परफॉर्मर इस पूरे पाकिस्तान में नहीं है। क्यों माँ जी? वैश्य पुत्र, अब तू देख मैं उसको कैसे डराती हूँ। हाँ वेरी गुड माँ जी। महमूद साहब, मैं और खूबसूरत जाके ना जावेद साहब के दोस्त को रात रुकने के लिए राजी करते हैं। और माँ जी आप तैयारी शुरू करें, आओ जन्म चलते हैं। मोमो पहले जरा मुझे तो डरा के दिखाओ। डरे है ना, पता चला ना। अरे अरे आप खड़े क्यों हैं? बस अब मैं चलता हूँ। हाँ घर मैंने देख लिया है, इस महीने के आखिर तक मैं शिफ्ट हो जाऊंगा, तब तक आप भी कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। हम लोग? हाँ हाँ, क्यों 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 नहीं क्यों नहीं। चले फिर मैं अब चलता हूँ। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? मैं यहाँ होटल में रुका हुआ। अरे यार कमाल करते हैं आप, आपका अपना घर है आप होटल में क्यों रुकेंगे, आप हमारे साथ रुकेंगे है ना? नहीं नहीं, मैं आप लोगों को खामखा तकलीफ नहीं देना चाहता। अरे नहीं नहीं, हमें तो बड़ी खुशी होगी, क्यों नबील? हाँ जानू, हम तो आपको बाहर से खाना मंगवा के खिलाएंगे। अरे बाहर से क्यों,
घर का क्यों नहीं? अब बताया तो था यहाँ गैस नहीं है ना। ओ हाँ हाँ, चलो आप जिद कर रहे हैं तो मैं रुक जाता। थैंक यू। ये बताएं कि खाने में क्या खाएंगे आप? अगर चिकन निहारी हो जाए तो क्या ही बात। अरे कोई मसला ही नहीं है, जानू चिकन निहारी का अरेंजमेंट करो। क्या? जल्दी खाएं, जल्दी आए, मैं मुंह साफ करके जल्दी जल्दी खा। जी हाँ हाँ, जल्दी जल्दी खा ले, खा ले। यार नबील, ये चिकन की खुशबू कहाँ से आ रही है? महमूद साहब, मेहमान के लिए मंगवाई थी चिकन निहारी। बहरहाल आप भी आ जाएं, आ जाएं। ये अभी तक गए नहीं? महमूद साहब, ये आज रात को हमारे घर में ही रुकेंगे। रात को यहाँ कैसे रुकेंगे नबील? रुक जाएंगे महमूद साहब, लॉज में लेट जाएंगे। अरे इन्हें क्या भूतों से डर नहीं लगता? क्या इस घर में भूत भी है क्या? ओ नहीं जी, महमूद साहब क्या हो गया आपको, क्यों फजूल बातें कर रहे हैं? कोई भूत भूत नहीं है जी, बस एक छोटी सी मासूम सी रूह है। रूह? हाँ, लेकिन आप डरे मत, कुछ नहीं होगा। लेकिन इस घर में रूह आई कैसे? 200 साल से रह रही है यहाँ पे, 200 साल पहले कत्ल हुआ था उसका। हैरत है, जावेद साहब ने आपको ये बात बताई नहीं। क्यों बताएंगे महमूद साहब, अगर वो बता देते तो ये घर थोड़ा खरीदते। अब वैसे पता तो हमें भी नहीं था। हाँ वो तो उस दिन पता चला है जिस दिन उसने मेरे ससुर का खून पिया है। क्या? हाँ, और बूढ़े लोगों का खून तो बहुत शौक से पीती है। महमूद साहब का खून 3-4 बार पिया है उसने। जी हाँ, हर हफ्ते 3-4 बोतलें खून की लगती है मुझे। तो फिर आप लोग यहाँ रह क्यों रहे हैं? अब वो तो जी, हमने रूह से बड़ी मुश्किल से बड़ी मिन्नत समाजत करके 1 महीना लिया है कि हमें नया घर तलाश करें, तो हम 1 महीने में नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। आप चिकन खाए ना? हाँ ले। ये आप मुझसे कुट्टे क्यों हो गए? जी मुझे वॉशरूम जाना है। हाँ उस कमरे में वॉशरूम है, आप चले जाएं। नहीं आप ही मेरे साथ चलिए, मुझे अकेले में डर लगता है। साहब जाएं, इन्हें वॉशरूम लेकर जाएं। वो जहाँ इन्हें लेकर जाना है वो वॉशरूम है। फिलहाल आइए, ले जाए ले जाए ले जाए ले जाए ले जाए, ख्याल से शाबाश शाबाश, ख्याल से महमूद साहब। आइए ना, आइए तो, आइए, ये रहा वॉशरूम। ऊंची ऊंची आवाज में मुझसे बातें कीजिएगा। ठीक है। आप बाहर ही है ना? हाँ हाँ मैं बाहर ही हूँ, आप डरिए मत। मैं डर तो नहीं रहा, बस थोड़ा सा घबरा रहा हूँ। कुछ नहीं। अरे आप तो कहते हैं कि पानी नहीं आ रहा, लेकिन वॉशरूम में पानी तो आ रहा है। आप कौन? मैं मुक्ति के लिए। कौन मुक्ति? अरे ये हिंदू रूह है, हिंदू रूह, मरने के बाद उसे मुक्ति नहीं मिली इसलिए खून पीती फिर रही है। इसे मुक्ति क्यों नहीं मिली भाई? इसलिए कि मुझे मरने के बाद जलाया नहीं था। अरे क्यों नहीं जलाया था भाई? गैस नहीं थी ना इस घर में इसलिए। नहीं छोड़ूंगी मैं। हाँ। देखो मेरे पास मत आना, मुझे रूह वाला मंत्र भी आता है। पुत्र इसको तो रूहों का मंत्र आता है। ओ माँ जी, आप कौन से सचमुच की रूह है यार, जो कुछ हो जाएगा आपको। पकड़े इसको, पकड़े। अरे मुझे नहीं चाहिए ये घर, मैं लानत भेजता हूँ घर में, मैं जमीन को मना कर दूंगा। सुनिए, बहुत अच्छा घर है, डरे मत। यार नबील, माँ जी ने कितनी कमाल की एक्टिंग की है। हाँ यार, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस तो बनता है माँ जी का। छुरी पे खून, वो माँ जी कहीं आपने सच मुझ तो नहीं खून कर दिया? नबील कहीं उसके मंत्र का उल्टा असर तो नहीं हो गया? अब मैं तुम सब लोगों का खून करूंगी। चल
यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल।